हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए दो नए प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो कि मैंने ऑर्डर किए थे Flipkart से। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको ये प्रोडक्ट्स। देखिए, पहला प्रोडक्ट ये है बेबी स्लीपिंग बैग बेड विद मॉस्किटो नेट, और दूसरा प्रोडक्ट भी सेम है बट दोनों की शेप एंड साइज डिफरेंट। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको दिखाया था बेबी नेस्ट। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और तीनों बेड्स को कंपेयर करके आप अपने लिए एक बेड चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को ओपन। सो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है। ये बहुत ही छोटा और लाइट वेट है एज कम्पेयर टू दिस वन। चलिए अब मैं इसको ओपन करूंगी और अपने बेबी को इसमें लटा के दिखाऊंगी तो आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो करती हूँ मैं इसको ओपन। ये देखिए, जिप पाउच है जो बहुत ही इजी है ओपन करने के लिए। इस तरीके का ये बेड आएगा। ये मॉस्किटो नेट है, आप अपने बच्चे को अंदर बिठा सकते हैं, इससे मॉस्किटो से बहुत प्रोटेक्शन रहती है। चलिए अब मैं इसको ओपन करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप लॉक है जो बहुत ही इजी है। ये साथ में एक पिलो है, देखिए बहुत ही कंफर्टेबल है। प्लस ये बेड बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप मॉस्किटो नेट नहीं यूज करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो बात करें एज ग्रुप की, ये आप जब तक आपका बच्चा 6-8 महीने का नहीं हो जाता आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसको क्लोज करती हूँ। सो ये है हमारा फर्स्ट बेबी स्लीपिंग बेड विथ पिलो एंड मॉस्किटो नेट। ये आपका रेक्टेंगल शेप में आएगा, ये बेड पे भी कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। चलिए अब हम ओपन करते हैं अपना नेक्स्ट स्लीपिंग बैग। चलिए करते हैं अब इसको ओपन। आप देख सकते हैं इसका साइज थोड़ा बड़ा है। सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये मैट है इसमें। सेम जैसे दूसरे स्लीपिंग बैग में था, इसमें जिप है बट इसमें दोनों साइड जिप है, उसमें सिर्फ एक साइड जिप थी। साथ में पिलो है जो बहुत ही सॉफ्ट है, और यहाँ पे और देखिए ऐसे हुक है जो पूरे मैट के चारों साइड है, देख सकते हैं आप। तो ये जो रॉड्स हैं, इन रॉड्स को हम एक हुक में प्लेस करेंगे। तो देखिए इस टाइप के रॉड्स हैं, इसे बेसिकली है थर्माकोल पे ये क्लॉथ कवर किया हुआ है। चलिए अब हम इसे प्लेस करते हैं स्लीपिंग बैग में। ये जो है ज़िगज़ैग में प्लेस होती है इस तरीके से। चलिए अब हम इन्हें करते हैं प्लेस। देखिए कितना इजी है, बस आपको ये हुक बंद करना है। देखिए सेम इस साइड की। ये देखिए इस तरीके से ये आपका स्लीपिंग बैग आ जाएगा। इसमें ये छोटे छोटे टॉयज हैं जो बहुत ही सॉफ्ट है, और जब बेबी को हम नीचे लटाते हैं तो ये टॉयज मूव करते हैं, इससे बच्चा अट्रैक्ट होता है। और साथ में है देखिए ये मॉस्किटो नेट, सेम जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले स्लीपिंग बैग में बताया था। तरीके से आप अपने बच्चे को इसके अंदर रख सकते हैं। ये जैसे ये टॉयज मूव होंगे बच्चा भी इनके साथ साथ प्ले करता है।
सो फ्रेंड्स, मैंने दोनों बेड प्लेस कर दिए हैं। आप देख सकते हैं दोनों के साइज और हाइट में डिफरेंस। एक का एडवांटेज है कि वो लेस स्पेशियस है, तो इजीली आप उसको कहीं पे भी रख सकते हैं। और दूसरे का एडवांटेज है कि इसमें टॉयज है, तो बच्चा अपने आप इन टॉयज के साथ खेलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने बेबी को इस स्लीपिंग बैग में लेटा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बेबी को इस बैग में लेटा दिया है। ये कितना कंफर्टेबल है बच्चे के लिए। पिलो देखिए, लेग्स देखिए। तो अब मैं इस मॉस्किटो नेट को क्लोज करती हूँ। आप देख सकते हैं कि बच्चा अंदर क्या कर रहा है, उसके एक्टिविटीज बिल्कुल ही विजिबल रहेंगे इस मॉस्किटो नेट से। प्लस साथ ही साथ में आपको मॉस्किटो या फ्लाइज हैं उनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका दूसरा स्लीपिंग बैग। आप देख सकते हैं कि इस मूवमेंट को, इन टॉयज की मूवमेंट को बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और इनके साथ खेलने की कोशिश भी कर रहा है। चलिए अब मैं इस मॉस्किटो नेट को क्लोज करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बेड पे अगर बच्चा टर्न लेता है तो काफी स्पेस है मूव करने के लिए। वो इजीली अंदर टर्न ले सकता है, खेल सकता है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको दिखाए दो स्लीपिंग बैग्स। होप आपको वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।